हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास छोटे स्पीकर होते हैं उनमें आखिर जो इनका साउंड होता है वो आखिर फट क्यों जाता है। और गाइज, इस वीडियो में मैं आपको विद प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, विद प्रैक्टिकल करके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक छोटा स्पीकर भी है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा स्पीकर भी है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ वीडियो को और दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा मेरे पास बड़ा स्पीकर, और अभी मैं आपको इन दोनों को ही टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आखिर जब हम बड़े स्पीकर को लगाते हैं किसी 40-44 बोर्ड के ऊपर या फिर कोई सा भी एम्पलीफायर है आपके पास उसमें, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे स्पीकर हैं वो हमारे यहाँ पे फट जाते हैं, साउंड जो है फटी फटी देने लगते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और एक छोटा सा ही सॉल्यूशन है इसमें, आपको पता लगते ही आप जो है हर स्पीकर की जो क्वालिटी है, जो आवाज़ है, वो बहुत ही प्रॉपर कर लेंगे एक छोटा सा स्टेप में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि आपको यहाँ पे किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कंपोनेंट, जो कि वो ये है कैपेसिटर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें कितने वैल्यू का लेना है ये, तो आप जो है मिनिमम या तो 100 माइक्रोफेरड ले सकते हैं, 25 वोल्ट में भी ले सकते हैं, 16 वोल्ट में, 50 वोल्ट में भी ले सकते हैं, और अगर इससे कम है तो इससे कम वोल्ट में भी आप ले सकते हैं, 10 वोल्ट में हुआ तो आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लगाना किस तरीके से है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि गाइज, मैं आपको दूसरा स्पीकर दिखाता हूँ एक बार, जिसमें मैंने ये बोर्ड में से निकाला था एक, और इसमें इनबिल्ड एक जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बैक साइड में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस पर यहाँ पे एक लगा हुआ है छोटा सा कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, ये कैपेसिटर इसलिए ही लगाया जाता है कि ये जो छोटे स्पीकर होते हैं इसमें साउंड ज़्यादा आता है तो ये फिर भी नहीं फटते। जब भी आपने कॉलमों में लगे देखे होंगे, जो बॉक्स होते हैं इनमें, ठीक है, इनमें लगाए जाते हैं, लगाने के बाद इसको पहले से ही लगाया जाता है जिससे इसमें कॉलम में आवाज़ ना फटे, ठीक है। और बड़े पे क्यों नहीं लगाया जाता, बड़े पे गाइस इसलिए नहीं लगाया जाता इन पे, क्योंकि इनकी जो है वोल्टेज के हिसाब से ही ये सर्किटों में लगाए जाते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये है गाइज मेरे पास यहाँ पे 240 वोल्ट का, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको चलिए इसको टेस्ट करा के दिखाता हूँ, पहले छोटे स्पीकर को कराता हूँ मैं टेस्ट, और आपको पता चल जाएगा कि अभी साउंड फट रहा है इसका या फिर नहीं फट रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है एक 44-40 IC का जो है बोर्ड है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इससे भी मैं टेस्ट कराने वाला हूँ आपको इस स्पीकर को। पहले विदाउट कैपेसिटर चेक कराऊंगा और फिर कैपेसिटर को लगा के चेक कराऊंगा, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से, अभी मैं चेक करता हूँ इसको जल्दी से। तो गाइस यार, फाइनली यहाँ से मैंने स्पीकर को तो कनेक्ट कर दिया है, और ये माइक जो है आपके पास रख दिया है यहाँ पे, रख देता हूँ इसको, ठीक है। और अब जो है मैं इसको एक बार साउंड को प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से स्पीकर में से आवाज़ जो है फट रही है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है फट रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके बीच में यहाँ पे जो कनेक्शन दिए हुए हैं इसमें मैं एक में जो है इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूँ सीरीज में, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा मेरा वो कैपेसिटर, अब इसको एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ इससे, आप किधर से भी कोई सा कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने गाइस इस तरह से यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, अब मैं आपको इस पर एक बार साउंड चेक करा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, कनेक्ट करते यहाँ पे इसमें जो है इसने हमिंग करना एक तो बंद कर दिया, ज़्यादा हमिंग नहीं कर रहा इसके मुकाबले, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब इसको मैं एक बार यहाँ से बड़े स्पीकर को चेक करा के दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा हमारा वो बड़ा स्पीकर, और थोड़ी सी वीडियो को जूमआउट करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं इसको अभी डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ से।
तो यार अभी जो है मैंने इसमें स्पीकर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी हमिंग हो रही है इसमें। अब मैं इसको एक बार को यहाँ से इसको प्ले करता हूँ म्यूजिक को। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो है कोई भी इस तरह का इसमें साउंड नहीं आ रहा है जो कि फट रहा हो, ओनली इन छोटे स्पीकरों में ही इसमें साउंड आता है। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें जो है आप इस तरह के कैपेसिटर को लगा दें या फिर आप यहीं पे ही कनेक्शन कर सकते हैं। आप इसको गाइस पैरेलल में कनेक्शन ना करें, ठीक है, क्योंकि ये इसमें पोलैरिटी देखी जाती है और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर नहीं है जो कि आप इसको एक दूसरे में इस तरह से पैरेलल में लगाएंगे। आप इनको पहले सीरीज में लगा दें, ठीक है, इजीली बहुत ही प्रॉपरली काम कर देगा जिस तरह से यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।